talking about Minimum Wage Act 1948, right? So, नाम से इंडिकेट हो जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम वेजेस एक्ट. सो बनाया किस लिए होगा, व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट. सो इज देयर सक्षम, इज देयर स्वाति, इज देयर, वेरी गुड इवनिंग बोथ, राइट. सो मेन पर्पज वॉज टू ब्रिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस टू द लेबर क्लास. विच लेबर? द वेज अर्नर, द हु वर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, दे आर टर्म्ड एज द ब्लू कॉलर वर्कर्स, राइट. सो बेसिक तो यही है. How? By assuring minimum wage to them. क्योंकि होता क्या, generally होता यही है, जो equality है in private sector वो नहीं आ पाती है. जो payments मिलती हैं, जो wages मिलती हैं, वो काम के according मिलती हैं, वो हर जगह ऐसे ही. But अगर कोई कम काम करे तो कितनी कम payment दोगे उसको? तो यहाँ पे क्या government ने किया, वह condition set कर दी, criteria set कर दिया कि उससे below आप नहीं दोगे, जो आप काम करवाओगे उसे बिलो नहीं दोगे, चाहे कैसा भी कुछ रहेगा, कंडीशंस जो मर्जी हो, राइट. किस लिए किया गया? ताकि एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट हो सके, एटलीस्ट जो लिविंग वेज है, जो अपना सब्सिस्टेंस है, मीन्स द बेसिक नीड्स, फूड, वो जुटा सके इंसान. इसलिए गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है. बाहर क्या है वो कुछ भी हो सकता है, उसका कंसर्न नहीं है. इसीलिए कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, इंडिया में वो इशू है. ये कहाँ पे होगा? जो ऑर्गेनाइज है. कैसे? कि अगर इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, ऑब्वियस है वो रजिस्टर होगी और वहाँ पे जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, तो वो ऑर्गेनाइज हो गया. व्हाट अबाउट दोज रिक्शा पुलिस, द डेली वेज अर्नर्स? तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इशू है. तो इसलिए स्टिल जब हम बात करते हैं फ्रॉम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ और आपको ऐसे लिखना है तो वहाँ पे चीज़ एड्रेस की जाती है, बट हमारे लिए वो कंसर्न अभी नहीं है. हमें सिर्फ ये देखना है ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इक्वलिटी और जस्टिस जो है दिया जा सके, किसको? वर्कर्स को दिया जा सके, राइट. सो देट वॉज अ बेसिक ऑब्जेक्टिव. वेजेस होती कितने तरह की, क्योंकि मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं तो कई टर्म आप सुनेंगे वो हम समझ लेते हैं. वन इज कॉल्ड द मिनिमम वेज, सेकेंड इज कॉल्ड द फेयर वेज, एंड थर्ड इज कॉल्ड द लिविंग वेज. डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तीनों को. जब आप बात करते हैं मिनिमम वेज, सो दिस इज द बेयर मिनिमम पेमेंट विच मस्ट बी मेड टू एन एम्प्लॉय, टू अ वर्कर, सो फॉर बेयर सबसिस्टेंस, सो दैट ही कैन मेंटेन अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट. चाहे वो एजुकेशन है, मेडिकल रिक्वायरमेंट है, या कुछ और कंफर्ट है, मिनिमम लेवल, तो दैट इज टर्म्ड एज द मिनिमम वेज. उसे आप नीचे नहीं जा सकते. गवर्नमेंट जो है, डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट, इट इज द ऑलवेज द लेबर डिपार्टमेंट, जो हर स्टेट में ये रेट सेट करता है, एंड इट मे वेरी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट. व्हाई? क्योंकि अर्बनाइजेशन है, रूरलाइजेशन, उसका जो इंडिया है उसमें जो लेवल है अर्बनाइजेशन का वो अलग है. तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेज है, दैट मे वेरी. एक सिटी में मिनिमम वेज कुछ और हो सकता है, एक रूरल एरिया में मिनिमम वेज कुछ और हो सकता है, वो पॉसिबल है. Alright, so more people have joined. Pallavi is there, Somaji is there. Alright, then comes the fair wages. अब ये क्या हुआ? Fair, इसका मतलब जब मिनिमम वेज दे रहे हैं वो किस लिए? सब्सिस्टेंस लेवल पे. जब आप उसे थोड़ा सा ऐड कर दो, कुछ एडिशन, कुछ एक्स्ट्रा कम्फर्ट के लिए दे दो. सो मोर देन द मिनिमम वेज, सो दे आर द फेयर वेज. वट आर सच वेजेस? दीज आर विच द वेज विच सीक्स टू मेंटेन ए लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री, नंबर वन. दूसरा, लुक आफ्टर द इंडस्ट्रीज कैपेसिटी टू पे द सफिशियंट रेम्यूनेशन टू द एम्प्लॉय. सो इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री. दूसरा क्या है, कि उसको मेंटेन किया जा सके एम्प्लॉयमेंट को, ऐसा ना हो कहीं और पेमेंट मिलेगी वो कहीं और मूव कर जाएगा. सो वहाँ पे आ गया फेयर वेजेस. थर्ड इज द लिविंग वेज. सो यहाँ पे क्या है, कि नॉट ओनली द बेसिक रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयर को जो दे रहा है, किसको? एम्प्लॉयज को. बट यहाँ पे इन एडिशन टू क्या, वो या उसकी फैमिली है, ही कैन अफोर्ड द शेल्टर, फूड एंड अदर नेसेसिटीज. अब यहाँ पे क्या आ गया, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो सैनिटी है, कंफर्ट है, डिग्निटी है, सो ये सबसे ऊपर हो गया द लिविंग वेज, राइट. सो दे आर द थ्री काइंड ऑफ वेजेस. मिनिमम वेज सबसे नीचे है, देन कम्स द फेयर वेज, एंड देन कम्स द लिविंग वेज. सो तीन तरह की वेजेस हम जनरली बात कर सकते हैं. क्यों किया गया, व्हाट वाज द नीड फॉर दिस? दो ऑब्जेक्टिव थे इसके, मेजर
वन वॉज द सोशल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. जब आप सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं अगेन कि वी हैव अ वेलफेयर गवर्नमेंट, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ